नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। खांसी बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर चित्रा पिल्लई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय निषादपुरा भोपाल से हूँ। मैं हिंदी शिक्षिका आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 9th का पाठ सांवले सपनों की याद पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ के लेखक जाबिर हुसैन जी। इसके पूर्व वीडियो में हमने जाबिर साहब के का परिचय और पाठ का सारांश और विस्तृत रूप से हमने पाठ को पढ़ा समझा। मैं एक बार पुनः आपके समक्ष लेखक परिचय और पाठ सारांश प्रस्तुत कर रही हूँ। जीवन परिचय जाबिर हुसैन जी का। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में बिहार के नालंदा जिले में हुआ। अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद उन्होंने अंग्रेजी भाषा व साहित्य में अध्यापन कार्य किया। वह वर्ष 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं हैं जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, एक नदी रेत भरी आदि। वे हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी भाषा में लेखन कार्य करते थे। जाबिर हुसैन ने अपनी रचनाओं में आम आदमी के संघर्षों को व्यक्त किया है। जाबिर हुसैन की भाषा शैली प्रभावी है। उनकी रचनाओं में संस्कृत, उर्दू, तद्भव आदि शब्द प्रयुक्त हुए हैं। बच्चों, इस पाठ का सारांश इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसैन ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डायरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है। लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेषताओं को का उल्लेख किया। प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए यह बताया गया है कि किस विशेष घटना ने सालिम अली साहब को पक्षी प्रेमी बना दिया। वास्तव में सालिम अली के माध्यम से पर्यावरण के संरक्षण की महत्ता को रेखांकित करना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों, आज के इस क्लास में हम प्रश्नों के बारे में जानेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसा कि आप जानते हैं, एक अंकीय प्रश्न होते हैं जिसमें सही विकल्प, रिक्त स्थान, सत्य असत्य, जुड़ियां एवं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर होते हैं। इन प्रश्नों को एक अंक प्रश्न कहा जाता है। परीक्षा में मूल रूप से ये 20 प्रश्न या कम से कम 25 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आपको बच्चों इन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि यह प्रश्न बीच बीच में से पूछे जाते हैं, इसलिए पाठों को पढ़ना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, ये छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनकी शब्द सीमा 30 शब्द होती है। 2 से 3 लाइन में इनके उत्तर हम लिख सकते हैं और हमें लिखना चाहिए। यह भी पाठ की छोटी छोटी घटनाओं से के संबंध में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके पश्चात है लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंकीय प्रश्न होते हैं, अति लघु उत्तरीय से थोड़े बड़े होते हैं। इनके लेखन क्षमता शब्दों की 50 शब्द होती है। 50 शब्द यानी कि 4 से 5 लाइन मान लीजिए, इसमें आपको इनके उत्तर लिखना रहते हैं 3 से 5 लाइन के बीच में। और ये भी पाठ में निहित कुछ घटनाएं, प्रमुख अंश, मुख्य उद्देश्य, इस तरह के प्रश्न इन प्रश्नों के अंतर्गत आते हैं जो हमारे पाठ में रहते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं वो 4 या 4 अंकीय होते हैं, जिसमें लेखक परिचय,
गद्य या पद्य की व्याख्या, कवि परिचय और मुख्य तौर पे पंक्तियों से आशय, इस तरह के बड़े प्रश्न जो होते हैं वो चार अंकीय प्रश्न होते हैं। इन चार अंकीय प्रश्नों में कभी कभी पाठ का सारांश या केंद्रीय भाव भी पूछा जा सकता है। तो बच्चों, ये हुए प्रश्नों का विवरण, जो कि हमें परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हमें जानना है कि इस पाठ में किस तरह के प्रश्न आएंगे, पूछे भी जाते हैं, और साथ ही इस तरह के ये चारों प्रश्नों के प्रकार प्रत्येक पाठ में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, सांवले सपनों की याद के सही विकल्प में गद्य का प्रारंभिक विकास हुआ था। ऑप्शन है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग। सही उत्तर है भारतेंदु युग। गद्य का प्रारंभिक विकास भारतेंदु युग में हुआ था। प्रश्न क्रमांक 2, विकल्प 2, हुजूम शब्द का सही अर्थ है। जूम शब्द का सही अर्थ क्या है? सैलान, इकट्ठा, भीड़ या साथ साथ। सही उत्तर है भीड़। वस्तुनिष्ठ तीसरा, सालिम अली का संबंध किस से है? सालिम अली का संबंध किस से है? पक्षी विज्ञान, तकनीकी विशेषज्ञ, मैकेनिक, मिस्त्री। सही उत्तर है पक्षी विज्ञान। चौथा विकल्प, पक्षियों को खोजने में सालिम अली किस यंत्र का उपयोग करते थे? पक्षियों को खोजने में सालिम अली दूरबीन यंत्र का प्रयोग करते थे। इसमें चार ऑप्शन है, टेलीस्कोप, दूरबीन, दर्पण और कैमरा। सही उत्तर दूरबीन का प्रयोग करते थे। जैसा कि हम जब पाठ पढ़ेंगे तो सालिम अली जी के बारे में बताया गया है कि वो 100 वर्ष तक जीवित रहे। उनके आँखों के जो दूरबीन थी वो उनके अंतिम समय में ही उतरी थी। बच्चों, उन्हें पक्षियों को देखने का बहुत ज़्यादा उनका जो शौक था, प्रेम था, स्नेह था, वो दूरबीन से ही देखा करते थे। वस्तुनिष्ठ क्रमांक 5, सांवले सपनों की याद के लेखक का नाम, जाबिर हुसैन, मकबूल फिदा हुसैन, मुंशी प्रेमचंद या राहुल साकृत्यायन। सही उत्तर है जाबिर हुसैन। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बहुविकल्पीय प्रश्न है, इनको आप अच्छे से याद करना है। रिक्त स्थान, वस्तुनिष्ठ के लिए रिक्त स्थान। प्रश्न क्रमांक 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जाबिर हुसैन का जन्म खालिस्तान हुआ था। नौनहिया पाटलिपुत्र। सही उत्तर है नौनही गांव में हुआ था। सांवले सपनों की याद गद्य की खालिस्तान विधा है। कौन सी विधा है? रेखा चित्र है या संस्मरण? सही उत्तर है सांवले सपनों की याद गद्य की संस्मरण विधा है। रिक्त स्थान 3, सालिम अली की पत्नी का नाम खालिस्तान था, तहमीना तस्नीम। सही उत्तर है सालिम अली की पत्नी का नाम तहमीना था। हरारत का अर्थ उष्णता या ठंडक है? हरारत का अर्थ उष्णता या ठंडक है। सही उत्तर है उष्णता, गर्मी। हरारत का अर्थ उष्णता है। रिक्त स्थान 5, साबिर हुसैन की भाषा खड़ी बोली है। साबिर हुसैन की भाषा, लिखने की भाषा खड़ी बोली है। तो बच्चों, ये रिक्त स्थान आपको तैयार करना है। सही जोड़ियां, प्रश्न क्रमांक 3। बच्चों देखिए, आपके सामने ये सही जोड़ियां हैं, क और ख दिए हैं और साथ में उत्तर भी दिए हैं। नई वाचर साहिम अली की पत्नी, तहमीना सालिम अली, शौक आत्मकथा, फॉल ऑफ एस्पेरो चंचल, डोला बीबी का मजार जाविर हुसैन। अब बच्चों, हमें इनको सही जोड़ियों को बनाना है। नई वाचर इसमें दिया है सालिम अली। तहमीना का है सही उत्तर सालिम अली। और शोक जो है तीसरे का उत्तर है चौथा, था शोक अर्थात चंचल। फॉल ऑफ एस्पेरो जिसमें दिया है, इसका सही उत्तर है आत्मकथा।
और डोला बीबी का मजार जाबिर हुसैन जी की रचना है। इस तरह से ये हमने सही जोड़ी बनाई है। बच्चों आप ये नंबर डाल सकते हैं, परंतु ज़्यादा अच्छा रहेगा यदि आप नई नए सही जोड़ी के वर्ड ही शब्द हम वहीं लिखें, जैसे नई वाचर तो उसका उत्तर सालिम अली, तहमीना साहिम अली की पत्नी, शौक जो है शब्द उसका अर्थ है चंचल, और फॉल ऑफ एस्पेरो आत्मकथा, डोला बीबी का मजार जाबिर हुसैन की रचना। सही अगर हम वहाँ उत्तर लिखेंगे, शब्द सही लिखेंगे, तो हमारी जोड़ी चेक करने के लिए और बहुत अच्छे से हमें आसानी होगी और याद करने में भी आसानी होगी। वस्तु श्रृंखला में एक शब्द और वाक्य में उत्तर दिए हैं। साइंट वैली कहाँ है? साइंट वैली साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। रेगिस्तान की गर्म हवा से किसको खतरा है? केरल के पक्षियों। तहमीना स्कूल के दिनों में किसकी सहपाठिनी थी? सालिम अली की। सालिम अली रेगिस्तानी हवा के झोंकों से पक्षियों को बचाने के लिए किससे मिले थे? प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 8। अति लघुत्तरीय प्रश्न बच्चों, जाबिर हुसैन ने कौन सी विधा में सांवले सपनों की याद लिखा है? उत्तर है, जाबिर हुसैन ने संस्मरण विधा में सांवले सपनों की याद लिखा है। संघर्षरत आम आदमी और उनके विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां भी प्रसिद्ध है। प्रश्न क्रमांक 6, जाबिर हुसैन की भाषा कौन सी है? जाबिर हुसैन के लेखन की भाषा कौन सी है? उत्तर, जाबिर हुसैन के लेखक की लेखन की भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों ही में रचना किया करते थे। सभी भाषाओं पर उनका समान अधिकार है, सभी समान अधिकार रखते थे। अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7, सालिम अली की मौत किस बीमारी से हुई थी? उत्तर, सालिम अली की मौत खतरनाक बीमारी कैंसर से हुई थी। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें वापस लाना चाहेंगे तो वह असंभव होगा। अगला प्रश्न, जाबिर हुसैन की एक हिंदी रचना का नाम लिखिए। जाबिर हुसैन की हिंदी की एक प्रमुख रचना है अतीत का चेहरा। प्रश्न क्रमांक 9, सालिम अली को बर्ड वाचर क्यों कहा जाता था? सालिम अली हमेशा अपने दूरबीन से नए पक्षियों की खोज करते रहते थे या उनको देखते रहते थे। वे प्रकृति के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते थे। प्रश्न क्रमांक 10, सालिम अली अपने गले में क्या डाले रखते थे और क्यों? सालिम अली हमेशा अपने गले में दूरबीन डाले रखते थे क्योंकि उनको हमेशा नए नए पक्षियों को देखने का बहुत ही शौक था। वह प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने की क्षमता रखते थे। प्रश्न क्रमांक 11, निम्न शब्दों के एक एक हमको पर्यायवाची शब्द लिखना है। शब्द है उत्सुक, उत्सुक का पर्यायवाची होता है इच्छुक। क्षति, क्षति का अर्थ है सेवा। सौ वर्ष, क्षति अर्थात सौ वर्ष। तीसरा है गढ़ी, गढ़ी का अर्थ है बनाई गई। नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, प्राकृतिक, जो स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर द्वारा बनाई गई है। अति लघुत्तरीय प्रश्न क्रमांक 12, निम्न शब्दों में से प्रत्यय छांटिए। ये शब्द दिए हैं बच्चों, हमें इनमें प्रत्यय छांटना है। यहाँ प्रत्यय से तात्पर्य वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें प्रत्यय शब्द कहते हैं, जैसे स्पष्ट और ता। इसमें ता प्रत्यय है, स्पष्टता में ता प्रत्यय है। दूसरा प्रत्यय है कायरता, कायरता में भी ता प्रत्यय लगा है। कायर शब्द में ता प्रत्यय लगकर बन गया कायर।
निर्भिकता, निर्भिक शब्द में ता प्रत्यय लगा निर्भिकता, दुष्टता में दुष्ट प्रत्यय लगा बना दुष्टता। इसी तरह आप अन्य शब्द भी बना सकते हैं यदि परीक्षा में आते हैं, लघुता, दीर्घता, विविधता, है ना। तो इस तरह से ये ता प्रत्यय से हम अन्य शब्द भी बना सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, सालिम अली की लंबी यात्रा का वर्णन कीजिए। सालिम अली का संपूर्ण जीवन प्रकृति के लिए समर्पित था। सालिम अली की उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो शेष बचे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उन्हें एवं कैंसर जैसी घातक बीमारी उनकी मौत का कारण बन गई। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 14, सालिम अली टापू नहीं सागर बन गए, समझाइए। सालिम अली को प्रकृति और वन्य पक्षियों से बहुत लगाव था। उनकी प्रकृति प्रेम सागर के टापू की तरह उथला नहीं था, उन्हें प्रकृति प्रेम में सागर जैसी अथाह गहराई थी। टापू उथला होता है जबकि सागर गहरा होता है। सालिम अली के हृदय में, हृदय के कोने में प्रकृति या पेड़ पौधे, वनस्पति, सब कुछ उनके प्रिय थे। वे प्रकृति के प्रतिरूप बन गए थे। प्रश्न क्रमांक 15, किस घटना ने सालिम अली की जीवन दिशा को बदल दिया। बचपन में सालिम अली की एयर गन से एक नीले कंठ की गौरैया घायल हो गई थी। इससे वे गौरैया के बारे में जानने के इच्छुक हुए और उन्होंने अपना सारा जीवन नए नए पक्षियों की खोज करने में व्यतीत करने का संकल्प ले लिया। देखो बच्चों, उनको कितना दुख हुआ। और इसी तरह के काम करते करते पक्षी विज्ञानी हो गए, उन्हें पक्षी विज्ञानी की संज्ञा दे दी गई। प्रश्न क्रमांक 16, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। सांवले सपनों की याद शीर्षक में सांवले शब्द उदासी के लिए कराया गया है। लेखक अपने मित्र सालिम अली की मृत्यु से उदास है। यह पाठ उनकी मृत्यु के समय का है। यह शीर्षक विषय का आभास देने वाला है। मृत्यु की उदासी के साथ यमुना के सांवले पानी, यमुना के सांवले रंग वाले कृष्ण का भी उल्लेख इसमें हुआ है। यह शीर्षक कौतूहल जगाने वाला है, शीर्षक सार्थक है। प्रश्न क्रमांक 17, सालिम अली और डीएच लॉरेंस में क्या समानता थी। सालिम अली और डीएच लॉरेंस में क्या समानता थी। सालिम अली जाने माने प्रकृति प्रेमी और पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन पक्षियों की खोजबीन और सुरक्षा के प्रति समर्पित कर दिया था। अंग्रेजी के प्रसिद्ध साहित्यकार डीएच लॉरेंस भी पक्षी और प्रकृति प्रेमी थे। उन्होंने अपनी कृतियों में प्रकृति की ओर लौटने का संदेश दिया है। इससे पता चलता है कि वे प्रकृति प्रेमी थे। इस प्रकार सालिम अली और डीएच लॉरेंस दोनों में प्रकृति प्रेमी होने की समानता थी। प्रश्न क्रमांक 18, यमुना नदी का सांवला पानी कृष्ण से जुड़ी किन घटनाओं की याद दिलाता है। यमुना नदी का पानी सांवला हमें बालक कृष्ण के कलिया मर्दन की याद दिलाता है। कदंब के पेड़ के नीचे वे अपने ग्वाल मित्रों के साथ खेलते थे और बगीचों में गोपियों के साथ रास रचाया करते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अभी मधुर स्वर में मुरली बजाते हुए अचानक प्रकट हो जाएंगे। बच्चों देखिए, ये आपके समक्ष अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये छोटे छोटे प्रश्न, ये हो सकता है 2 अंक में भी आ सकते हैं और 3 अंक में भी आ सकते हैं, है ना। तो
तो हमें तैयारी करना है और इन प्रश्नों को बार बार याद करना है और पढ़ना है, समझने की भी हमें बराबर इसमें कोशिश करनी है। अगला प्रश्न, सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद में लेखक मनुष्य की किस क्रियाकलाप को उसकी भूल बताता है? मनुष्य प्रकृति और उसके अन्य अंगों जैसे जंगलों, पहाड़ों और झरनों आदि, यहाँ तक कि पक्षियों को भी प्रकृति की नजरों से नहीं देखते, वे सब इनको मनुष्य की नजर से ही देखते हैं। जो लेखक के अनुसार उचित नहीं है। लेखक का मानना है ऐसा मनुष्य इन पक्षियों के मधुर संगीत और झरनों के कलकल बहते हुए पानी मधुर धुन का अनुभव ही नहीं कर सकता है। लेखक के अनुसार ऐसा करना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। अगला प्रश्न लॉरेंस के बारे में है। लॉरेंस के बारे में कौन अधिक जानता था? उससे उनके किस गुण का पता चलता है? लॉरेंस के बारे में उनकी पत्नी फ्रीडा से भी ज्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गौरैया जानती थी। इसके पीछे प्रमुख कारण था कि लॉरेंस का अधिकतर समय उसी के साथ बीतता था, अतः वह उनकी अंतरंग सहेली बन गई। इससे पता चलता है कि लॉरेंस का पक्षी और प्रकृति प्रेम अनूठा था। अति लघु उत्तरी प्रश्न 21। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित किन खतरों का चित्र खींचा होगा जिससे उनकी आंखें नम हो गई थी? सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के सामने केरल की साइलेंट वैली के पक्षियों के खतरों के संबंध में बात उठाई थी। उस समय केरल पर रेगिस्तानी हवा के झोंकों का खतरा मंडरा रहा था। वहां का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। प्रधानमंत्री को वातावरण की सुरक्षा का ध्यान था। उपरोक्त बातों को सुनकर उनकी आंखें नम हो गई थी। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 22। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, अंग्रेजी के कवि लॉरेंस प्रकृति प्रेमी थे। प्रकृति के प्रति उनके मन में जिज्ञासा बहुत अधिक थी। उन्हीं की तरह सालिम अली भी स्वयं प्रकृति के लिए समर्पित हो चुके थे। सालिम अली का व्यक्तित्व भी प्रकृति की तरह सहज सरल और निश्चल हो चुका था। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 23। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी की तरह अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक कहना चाहते हैं कि सालिम अली की मृत्यु के बाद वैसा प्रकृति प्रेमी और कहीं कोई नहीं हो सकता। सालिम अली पक्षी रूपी मौत की गोद में सो चुका है, अतः अब अगर कोई अपने दिल की धड़कन भी उसके दिल में भर भी दे और अपने शरीर की हरारत उसके शरीर में डाल दे तो भी वह पक्षी फिर से वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके सपने अपने ही शरीर और अपनी ही धड़कन से उपजे थे। आशय यह है कि मृत व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं कर सकता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 24। सांवले सपनों की याद में सालिम अली ने पर्यावरण के प्रति गहरी चिंता व्यक्त की है। आप पर्यावरण के बारे में
कैसे योगदान दे सकते हैं? उत्तर देखिए बच्चों, इसमें इसका उत्तर हम पर्यावरण प्रदूषण के निबंध के माध्यम से भी दे सकते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानते हैं। परीक्षा में भी यदि इस तरह का प्रश्न आता है तो आप उस पर भी निबंध लिखते हैं। आइए इसका उत्तर सुनते हैं। हमें पेड़ों की कटाई को रोकना होगा। सबसे पहले पेड़ों की कटाई जो होती है, हमें पेड़ काटने से सबको रोकना होगा। वायु को शुद्ध करने के लिए और नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए हमें। प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग कम से कम हमें करना चाहिए। जल प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए। आसपास स्वच्छता हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 25। सालिम अली ने पक्षियों को बचाने का भरसक प्रयास किया। उन्हें वर्ल्ड वॉचर भी कहा जाता है। आप कुछ पक्षियों के नाम लिखिए। सालिम अली पक्षी वैज्ञानिक थे। उन्होंने नए नए पक्षियों को अपनी दूरबीन से खोजा और देखा। कुछ पक्षियों को जिन्होंने हमने भी देखा है, उनके नाम हैं सामान्य तौर पे चिड़िया, गौरैया, तोता, मैना, कबूतर, कोयल, पपीहा, कौवा, चील, बाज, है ना, ये सब भी पक्षी हैं। और वर्ड वाचर की संज्ञा से हम प्रश्न ये है कि किसे दी गई है और उनकी किस विशेषताओं को, जो हमने पहले भी सुना था कि सालिम अली के लिए वर्ड वाचर की संज्ञा दी गई है क्योंकि वो पक्षियों को बहुत गौर से और खोजी नजरों से देखते थे। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छू लेने वाली उनकी नजरों में ऐसा जादू था जो प्रकृति को अपनी ओर घेर लेता था। बच्चों, जिस प्रकार से सालिम अली साहब पक्षियों को बहुत स्नेह करते थे, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हमें भी कम से कम पक्षियों के लिए प्रति दया स्नेह का भाव हमारे मन में हमें रखना है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 26। प्रश्न है, पक्षियों के बारे में अपनी मातृभाषा में एक लोकगीत का संकलन कीजिए। आप अपनी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपके समक्ष एक लोकगीत है जिसे आप यहाँ सुनेंगे भी और अपने भी नया तैयार भी कर सकते हैं, जिस भाषा में भी आप चाहें। गीत इस प्रकार है, अरे अरे श्यामा चिरैया, झरोकवे मति बोलहु, मोरी चिरई अरी मोरी चिरई, सखी भीतर वनिज खा, जगाई लई आवउ मनाई लई आवउ, कबे ने बरने उनकी सिर की, कबे ने रंग बरदी, बहिनी कवने बरन बनी जखा, जगाई लो आई मनाई ले आई, अरद बरन उनकी सिर की, उजले रंग बरदी, समर बरन बनी जखा, जगाई ले आवो मनाई ले आवो। इस प्रकार के आप अपनी एक मातृभाषा में लोकगीतों का भी संकलन हम कर सकते हैं। पहले से सबसे पहले माता पिता भी ऐसे भी अगर आप पूछेंगे कि चिड़ा चिड़ी के संबंध में कोई कहानी सुनाइए, तो सामान्य तौर पर सभी लोग एक था चिड़ा, एक थी चिड़ी, इस तरह की छोटी छोटी कहानी आपको सुनाएंगे। तो आप भी छोटी सी एक कहानी को भी तैयार कीजिए, लोकगीत के माध्यम से कहानी भी सुना सकते हैं और गीत को भी हम गा सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बच्चों 4 अंकीय। अभी आपने 26 प्रश्नों को सुना, उन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिए। आपको पाठ के सारे प्रश्न और पूरे पाठ के विषय वस्तु भाव सारांश सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसका अभ्यास आपको करना है। अब 4 अंकीय प्रश्नों की बारी है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जाबिर हुसैन की भाषा शैली की विशेषताएं बताइए। उत्तर है, जाबिर हुसैन की भाषा और शैली में अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। भाषा, आपकी भाषा व्यवहारिक खड़ी बोली है, उसमें तत्सम तद्भव विदेशी शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, अंग्रेजी उर्दू शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। भाषा मुहावरेदार एवं लोकोक्तियों से पूर्ण है। उनके लेखन शैली के बारे में हम बात करें, जाबिर हुसैन ने
विषय के अनुरूप शैलियों का प्रयोग किया। उनकी प्रमुख शैलियों के नाम है वर्णात्मक शैली, भावात्मक शैली और संस्मरणात्मक शैली। ये तीन शैलियां उन्होंने विशेष तौर पर अपने लेखन में प्रयोग किया है। प्रश्न क्रमांक 28, निम्न गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। बच्चों ये भी चार अंकीय प्रश्न है। गद्यांश इस प्रकार है, इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश सांवले सपनों की याद पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जाबिर हुसैन जी। प्रसंग, इस गद्यांश में सालिम अली की अंतिम यात्रा का भावपूर्ण वर्णन किया गया है। व्याख्या बच्चों इस प्रकार है, इस भीड़ भरे जन समूह में सबसे आगे सालिम अली चल रहे हैं। यह उनकी अंतिम यात्रा है जिसमें वे अपने कंधों पर घुमक्कड़ों की तरह सारा सामान लादे हुए हैं। उनकी यह यात्रा पहली यात्राओं से भिन्न है। इस दुनिया की भीड़ भाड़ तथा विभिन्न प्रकार के दबावों से मुक्त होने की यह अंतिम यात्रा है। अब वे वैसे ही प्रकृति में समा रहे हैं जैसे कोई वन्य पक्षी अपनी जिंदगी का अंतिम गीत गाकर मृत्यु की गोद में जा पहुंचा हो। अब वे लौटकर नहीं आएंगे। विशेषता, सालिम अली की अंतिम यात्रा का भावात्मक अंकन हुआ है। सरल सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग भी हुआ है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। उत्तर, लॉरेंस का प्रकृति से बहुत गहरा लगाव था। वे प्रकृति की ओर लौटने के हिमायत थे। स्पष्ट होता है इस बात से कि पेड़ पौधे पक्षियों से उनकी आत्मिक नजदीकियां या समीपता रही होगी। यह भी हो सकता है कि उनकी पत्नी फ्रीडा को इस बात को ध्यान में रखकर फ्रीडा ने ये कहा था कि मेरी छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में बहुत सारी ढेर सारी बातें जानती थी। बच्चों निश्चित है कि आपको ये पाठ के प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। अब हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। यदि किसी भी तरह की कठिनाई आती है तो आप अपने शिक्षक सहायता ले सकते हैं। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1442 पर संपर्क करें।